गाइस, तो आज हम आए हैं एक अलग रेस्टोरेंट में जिसका नाम है ओट। यहाँ आके आपको मिलेगा पूरा एक राजमहल जैसा फील। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ के मेनू कार्ड्स और क्या क्या यहाँ का स्पेशलिटी है और पूरा एम्बियंस। तो चलिए मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अंदर चलते हैं और इसका गूगल मैप वाला लोकेशन आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट नहीं है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस आपको थ्रू आउट कोलकाता बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप अपना सामने जो है वही चूज कीजिए। अंदर आते ही आपको लेफ्ट एंड राइट में बैठने की जगह दिख जाएगा, तो आप अपना सीट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो हम वहां पर नहीं बैठे, थोड़ा आगे आके हमें एक टेबल दिखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम वही चूज किए। तो चलिए आपको यहाँ का एम्बियंस दिखाते हैं और फिर हम खाना ऑर्डर करेंगे और क्या खाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ का जो एम्बियंस है वो आपके दिल को जरूर छू लेगा। तो यहाँ पर थोड़ा लो लाइट था इसीलिए वीडियो उतना अच्छे से नहीं आया। और यहाँ इधर जो स्टेयर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाते हुए आपको बैठने का सीट भी मिलेगा, लेकिन पता नहीं वो लोग अलाउ करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमें तो नहीं किया, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था। आपको दिखा देते हैं मेनू कार्ड और फिर बताते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया। तो हमने ऑर्डर किया चिकन भुना, चिकन शाही कोरमा, पर्दा बिरयानी और मुर्ग आबादी बिरयानी। और ये जो बिरयानी आइटम है तो ये दो लोगों के लिए सफिशियंट है, मतलब दो पीसेस चिकन रहते हैं यहाँ पर और जिसमें एक होता है वो भी दो पीसेस ही होते हैं। तो हमें लगभग 15 मिनट्स वेट करना पड़ा, उसके बाद हमारा खाना आ गया। पर्दा बिरयानी में थोड़ा टाइम लगता है तो वो ऑर्डर देने के बाद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। बिरयानी अंदर से ठीक ही था लेकिन जो पर्दा है वो देख के लग रहा था कि थोड़ा और ये पकता, लेकिन टेस्ट वाइज मुझे तो अच्छा ही लगा। तो आवादी बिरयानी और पर्दा बिरयानी में डिफरेंस यही था कि पर्दा बिरयानी थोड़ा जूसी टाइप था और आवादी बिरयानी थोड़ा ड्राई टाइप था। बस टेस्ट के हिसाब से दोनों ही अच्छे ही थे। और पर्दा बिरयानी में आपको एग नहीं मिलेगा जो कि मिलेगा आपको आवादी बिरयानी में। तो आप यहाँ अगर आते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो हमारा डिनर कंप्लीट हो गया, अभी हमारा बीबी आ गया, तो देख लेते हैं कितना आया है। 1986। ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो इस रेस्टोरेंट से आप ऑनलाइन भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन फूड का यहाँ पर सर्विस है। और यहाँ पर एम्बियंस
बिल्कुल डिफरेंट है। आज हम वीकेंड प्लान बनाकर आए हैं, तो चलिए आपको यहाँ का एम्बियंस दिखाते हैं और फिर हम खाना ऑर्डर करेंगे और क्या खाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।